कनाडा से इंडिया ड्राइव करके आए हैं और भाई सबसे हमारे लिए प्राउड की बात यह है कि सिख बॉय। अब यूरोप में भी 2 से 3 ऐसे दिन आए जहां मैं गाड़ी में सोया क्योंकि मेरी गाड़ी को पार्किंग नहीं मिल रही थी। ये चेक करो भाई, छत खुल गई भाई गाड़ी की, नजारे ले रहे हैं पूरे खड़े होकर। टर्न लेने पे भी वाहेगुरु निकल रहा था कि आगे कोई पत्थर लगा के खड़ा ना होए 2-4 बंदे। पाजी आए हैं 1 करोड़ की गाड़ी के ऊपर। पाकिस्तान में 5 में से 3 रातें मैंने गाड़ी के अंदर सोया हूँ। आपको जेल के अंदर के सोना पड़ता है। हल्का सा ये क्रैक आया था जो हाँ। फर्स्ट आपका पेरिस के अंदर। हाँ, जो फर्स्ट पेरिस में वहाँ पर चिप आया, थोड़ी सी यहाँ तक आए, यहाँ पर होल हो गया। रोंको जो की कन्वर्टेबल हो चुकी है और गाइस हम इसको एक बार चलाने लगे हैं, जो की भाई है लेफ्ट साइड ड्राइव। ये देखो भाई, ये राइट है अपना स्टेयरिंग थार का और भाई ये देखो इसका लेफ्ट स्टेयरिंग है। और मैं ना अंदर एक बार आपको जाके दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, और गाइस सामने देख लो, कन्वर्टेबल हुई पड़ी है पूरी गाड़ी अपनी। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज एचएसबी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस फाइनली बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाला है, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो कि भाई कनाडा टू इंडिया लेके आए हैं, जो गाड़ी का नाम है ब्रोंको। उनसे बात हुई थी, हमें भी मिलने के लिए मौका मिला उनसे, उनकी गाड़ी से मिलवाएंगे और उनसे भी मिलवाएंगे। और भाई सबसे बड़ी बात, सिख विद अर्बन कनाडा से इंडिया आए हैं और भाई गाड़ी को ड्राइव करके 40 दिन के अंदर और भाई 19 कंट्रीज। आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमने भाई अपने नियर ही बुलाया उनको। और गाइस मैं थार लेके जा रहा हूँ, रंधावा साहब पहले पहुंच चुके हैं क्योंकि भाई वो बाइक पे थे, पाजी भी वहां पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने कहा मुझे मुश्किल से 5 मिनट और लगे हैं क्योंकि यार दिल्ली का ट्रैफिक थोड़ा सा सीन रहता है। उनके सामने ही शेयर करेंगे, भाई मेरे फादर कह रहे थे थार लेने से पहले कि फॉर्च्यूनर ले ले, वो भी इंडिया टू यूरोप ट्रिप कर ले। तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम रुक के लेंगे क्योंकि भाई पार्किंग का बड़ा सीन रहता है, इसलिए मैंने फॉर्च्यूनर नहीं ली थी। चीजें उनसे पूछेंगे जो हमें भी एक्सपीरियंस हो जाए आगे रोड ट्रिप करने के लिए, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई भी आपको पता ऑल ओवर वर्ल्ड घुमा हुआ है, यूरोप मैंने पूरा करा हुआ है, लंदन गया हूँ। और भाई सबसे बड़ी बात, भाई उनकी गाड़ी लेफ्ट साइड ड्राइव है और मैंने लेफ्ट साइड ड्राइव भी चलाई है गाड़ी जर्मन के अंदर, मैं जर्मन में था तब चलाई थी। तो गाइस मैं यही बोलूंगा कि भाई बहुत मजा आने वाला है, आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज ना आपको प्रॉपर बताने वाले कि जो रोड ट्रिप करना चाहते हैं ना उनके लिए बहुत बेस्ट वीडियो रहने वाला है, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं तो भाई उनको पूरी इंक्वायरी मिल जाएगी। गाइस पाजी से मिल ली है भाई, बहुत अच्छा लगा। गाइस हमारे सामने खड़ी है ब्रोंको और गाइस हम शूट करने के लिए आए हैं पाजी से, ना सारी जर्नी जानेंगे। भाई सामने गाड़ी देखो कितनी खतरनाक लग रही है, बहुत ह्यूज लग रही है गाड़ी, ना गाड़ी को ना सेट करके लगवा रहे हैं। वो देखो भाई थार के सामने खड़ी हुई है, भाई मुझे लगा था थार से बहुत ऊंची होगी पर बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं है। गाइस वहां पे हमने थार लगा दी, भाई आज कंपैरिजन भी करेंगे थार और ब्रोंको का, भाई बहुत ज्यादा ह्यूज लग रही है सामने से देखने पे। सानी पाजी हमारे साथ आए हैं, आज इनसे हम बात करते हैं कि वो कनाडा से इंडिया गाड़ी को ड्राइव करके आए हैं तो रस्ते में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या बैड चीजें रही, क्या गुड थिंग्स रही, उनसे सारी बात करते हैं। और भाई एक स्पेशली बात ये है कि ये सामने आप जो गाड़ी देख रहे हो ये है ब्रोंको, फोर्ड वालों की गाड़ी है, ना ये रूबीकॉन है ना ये थार है, तो भाई एक डिफरेंट ही चीज है। चलो हम पाजी से बात करते हैं। पाजी पहले तो मैनू यह दसो कि पूरे का पूरा नक्शा बनाया हुआ है किस हिसाब से बनाया है। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 22 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ 27 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਨ ਰੋਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਗੱਡੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਪ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ। ਟਾਇਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਵਾਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਸੇ ਕੈਸੇ ਚਲਤੇ ਹੋ ਹਮ ਆਗੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੇ ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਸੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ। ਓਕੇ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤੱਕ ਮੈਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੋਡ, ਤੋ ਸ਼ਿਪ ਕਰਾਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਮੈਨੇ ਸ਼ਿਪ ਕਰਾਈ ਥੀ ਯੂਕੇ ਮੇਂ, ਯੂਕੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਲਿਵਰਪੂਲ, वहां से मैंने कार अपनी बाय हैंड ली वहां पर, और वहां से ऑलमोस्ट एवरीथिंग रोड है। यहाँ पर आप छोटा सा देखेंगे ना, यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल भी आता है, यहाँ से बाय ट्रेन भी जा सकते हैं आप, कार को बीच में लेके जाके कार के अंदर बैठ। मैं गया हूँ वहाँ पे, वो यूरोप जा रही है, जो यूरोप जा, यूरोप जा रही है वो ट्रेन जा रही है, गाड़ी पूरी ट्रेन के अंदर चले जाती है। बट मेरे को सेम डे पे ट्रेन नहीं मिली थी, मैं फेरी के थ्रू गया हूँ। ट्रेन आधे घंटे से 45 मिनट में पहुंच जाती है, फेरी 1.5 घंटे में पहुंच जाती है। मैं फेरी में बैठ के गया, मैप ट्रेन के हिसाब से बना था, जो प्लान्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस आते रहते। सो वहां से हम फ्रांस गए, फ्रांस में पेरिस हमने घूमा, आईफिल टावर जिसको कहते हैं सारे, आईफिल टावर से बाद हम स्विट्जरलैंड, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, फिर बेल्जियम, जर्मनी। यहाँ पर आप अगर देखेंगे चेक, यहाँ पर सब पूछते हैं कि भाई गाड़ी लेके आने का प्रोसीजर जो होता है, चेक में एक
ऑफिस है, मतलब एक अथॉरिटी है जिससे हमें यहाँ का कार्नेट मिलता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो चेक से मेरे को वो कार्नेट मिला था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया में आया, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी ना जाके स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटीनेग्रो, कोसोवो, फिर सर्बिया। नाइस नाइस, ये सारा कुछ यूरोप में ही पड़ता है? ये सब कुछ यूरोप के अंदर आता है। एंड इसके बाद सर्बिया के बाद बुल्गेरिया, बुल्गेरिया के बाद हम आए टर्की, टर्की में ये जो कंट्रीज अगर आप यूरोप की देखेंगे ना, ये एक एक दिन में कवर हो जाती है। फिर उसके बाद टर्की में मैंने 5 से 6 दिन निकाले। ओके, उसके बाद क्योंकि बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है कवर करने के लिए, ईरान में 9 डेज थे मेरे पास। ओके, फिर ईरान में 9 डेज कवर करे, और फिर अगेन पाकिस्तान में भी मेरे पास 9 डेज थे। 9 डेज इसलिए पाकिस्तान में होते हैं क्योंकि फर्स्ट 3-4 डेज जो होते हैं ना, वो आपके हाथ में नहीं होते हैं। बलूचिस्तान एरिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं, आपको सिक्योरिटी मिली होती है तो आपने उनके हिसाब से चलना होता है। करने को तो हम एक दिन में भी पार कर सकते हैं, 3-4 दिन वहाँ पर मेरे मतलब यूज हो गए जहाँ मैं बिल्कुल घूम नहीं सका, कुछ नहीं कर सका। फिर मैंने अपने लिए 5 दिन रखे ताकि मैं अपने सारे गुरुद्वारा साहब सारे जाके दर्शन आराम से कर सकूं। एक छोटी सी वीडियो देखी थी जिसके अंदर ना पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि वहाँ पे हमें मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आई, और उसके बारे में कुछ थोड़ा सा खुल के बताओ कि कैसे मतलब कि वहाँ पे लोग थे और वो जेल वगैरह का क्या सीन था, वो सारी चीजें मुझे वो एक बार हमारे व्यूअर्स को भी पता लगनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि जैसे ही एंटर करते हैं ना, ईरान से एंटर करते हैं तो बलूचिस्तान एरिया आता है। जी जी, वहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, हालांकि सेफ्टी वो लोग हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। okay. तकरीबन 1000 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पर हमारे साथ सिक्योरिटी रहेगी रहेगी। हर 15 से 20 किलोमीटर में आपकी हमारी जो सिक्योरिटी का व्हीकल है चेंज हो जाता है, नवे सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं। okay. तो बहुत स्लो प्रोसेस है, 50 की स्पीड पे गाड़ी चलानी, उन्होंने हर 15-20 किलोमीटर पर गाड़ी रोकनी, फोटो खींचनी, अगले ऑफिशियल्स को भेजनी, जब तक वहां से कंफर्मेशन नहीं आई तब तक आगे नहीं बढ़ना। सिक्योरिटी इशू बहुत ज्यादा, सिक्योरिटी इशूज है, कहने को वो कहते हैं कि हमारे लिए सिक्योरिटी है, पर अगर मेरे को इसलिए थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम लग रही थी कि अगर इतना टेंशन वाला एरिया है तो वहां से जल्दी निकालो, 5 दिन क्यों खराब कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कि हम सेफली जल्दी निकल जाएं। एग्जैक्टली, तो अब यहाँ पर क्या था कि शाम को 5 बजे के बाद चलाते नहीं थे, पर वो 12-1 बजे तक ही चलाते हैं। उसके बाद जोनसा एक उनको एरिया नजर आता है वहाँ जहाँ पे उनका थाना है या जेल है, वहां पर कहते हैं आपकी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होगी। ओके ओके, तो वो था कि भाई आपको जेल के अंदर बेसिकली कहो के सोना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे एक क्वार्टर दे दिया जाता है। ओके, क्वार्टर, अब भाजी वो थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओके ओके, तो वहाँ सोने से बेटर है कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर ही सोया करता था। अच्छा, आप गाड़ी के अंदर सोए, कितने दिन की बात है, कितना दिन? मैं आपको अगर सच्ची बताऊं तो यूरोप में भी 2 से 3 ऐसे दिन आए जहाँ मैं गाड़ी में सोया हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी को पार्किंग नहीं मिल रही थी। होटल अवेलेबल है पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है, सो आई प्रेफर स्लीपिंग इन द कार, कि गाड़ी को कोई प्रॉब्लम ना आए, गाड़ी सेफ। एग्जैक्टली, तो सिमिलरली पाकिस्तान में 5 में से 3 रातें मैंने गाड़ी के अंदर सोया हूँ। ओके, एंड 2 रातों में उन्होंने कोई सर्किट हाउस था ट्रेवलर्स के लिए बनाया होता है, वहां पर मेरे को रात मिल गई थी, वहां पर रूम, मतलब रास्ते में हमारा। फिर हम ईरान तक पहुंच गए थे। जी जी, पाकिस्तान तक पहुंच गए थे। जी, फिर जी। उसके बाद आपको 9 डेज लगे पाकिस्तान में ना? 9 डेज, 9 में से 4 डेज तो मेरे थे जो बलूचिस्तान एरिया में, और 5 डेज मैंने पाकिस्तान में। और ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान के अब सेफली उसके बाद आप इंडिया आ गए। इंडिया एंटर कर गया 9 नवंबर को। पाजी सोलो राइड करके आए भाई इतनी दूर से। जी, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ गाइस। पाजी, और रास्ते में बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा, आप अकेले गाड़ी कैसे चला ले, गाने सुनते आ रहे थे, शब्द सुनते आ रहे थे, पाठ करते आ रहे थे, वो सारी चीज ना एक बारी शेयर करो। मैं 100% पाजी, जो भी मेरा टाइम ऑफ द स्टार्ट ड्राइविंग होता है, चाहे वो मोस्टली अर्ली मॉर्निंग कर देता था मैं स्टार्ट, ब्रेकफास्ट 6:30 करके मैं निकल जाता था ताकि दिन दिन में कवर करूं जितना भी कर सकूं। तो स्टार्ट ऑफ द डे तो शब्द कीर्तन से ही होता है वो हमारा, एंड तकरीबन 1.5-2 घंटे, उसके बाद फिर थोड़ी एनर्जी लेवल डाउन होनी शुरू होती है जब, क्योंकि आफ्टर 1-2 घंटे के बाद ना आपको नींद का झोंका आता ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो 1 घंटा निकाल लो ना आप कम से कम, उसमें चलते थे सिद्धू भाजी के गाने। नाइस। उसके बाद भाजी थोड़े हम ओल्ड स्कूल हैं तो 90s बॉलीवुड म्यूजिक जो हमारे पुराने स्टाइल के गाने हैं, मैं वो सुनते हुए अपना पूरा दिन एंड कर देता था। बहुत बढ़िया। मैं एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ आपसे,
मैंने ना थार लेनी थी 6 महीने पहले की बात है। ठीक है जी। मैं ना गाड़ी ले रहा हूँ थार, पर कहते नहीं फॉर्चुनर ले ले। अच्छा। मैं कहा फॉर्चुनर, कहते हम ना दिल्ली टू यूरोप करेंगे। ओके ओके। तो पापा मेरे बहुत मतलब इस चीज शौकीन है, मेरे पापा ने आज मिलना था आपसे, बट वो है कि थोड़ा ऑफिस में बिजी हो गए। नहीं, नो प्रॉब्लम, मिलने आ जाएंगे। मतलब कि ना पापा कहते कि मैंने भी आके मिलना है पाजी को, कि वो भाई वो इतने इंस्पायर हुए हैं। सो गाइस, मतलब मेरे फादर साहब ने भी ना इनकी वीडियोस देखी हैं, तो वो भी बहुत इंस्पायर हुए। वो कहते हैं कनाडा से गाड़ी चला के आ गए, तो मतलब कि मेरा भी यूरोप का बन रहा है। ओके ओके। कनाडा के अंदर मेरे ख्याल से मैं फरवरी के अंदर शायद अपना है 100% पाजी, तो आपका नंबर है मेरा, गाड़ी छोड़ के जा रहा हूं मैं अभी। अच्छा, गाड़ी छोड़ के जा रहा हूं। एंड उसके बाद वापस आके इंडिया टूर करना है। ठीक है, बैड एक्सपीरियंस कर रहा है। आपने दिन तो बता दिया अपना, दिन ऐसे स्टार्ट हुआ, ओवर ऐसे हुआ। हमारी गुरबानी में ना एक तुक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हो तो सारी दुनिया अच्छी है। रियलिटी, ठीक है ना। तो मैं जब इसके बारे में पूरा प्लान कर रहा था, तभी मैंने इसके जो भी बम्स आने थे, स्पीड बम्स आने थे, उसको कवर अपने दिमाग में रख के चला था। नाइस। तो मैं कहता हूँ कि मेरे को आई गेस मेरे को याद ही नहीं कि मेरे साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो। नाइस। कुछ हुआ ही नहीं, सब अच्छा, बहुत पॉजिटिव बिहेवियर, जितने लोग मिल रहे थे रस्ते में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड मिल रहा था। छोटी मोटी चीजें हुई हैं, जीपीएस कभी कोई गलत रास्ते ले गया, वहां पर थोड़ा सा हो जाता है यार अब यहाँ से कैसे निकले। ये छोटी मोटी चीजें, मतलब लाइट्स वगैरह का कोई इशू नहीं आया, जैसे कहीं पे लाइट्स ही नहीं होंगी बिल्कुल आप चले हो, या मतलब वहां पे रेत मिल गई या फिर सैंड कोई ऐसा हो गया वैसा तो, कुछ। ओके, मैं क्रोएशिया की बात बताता हूँ। मेरा वन ऑफ द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस यूरोप में क्रोएशिया एक जगह है। जी जी। मेरे को सबसे सुंदर ये लगा, मतलब मेरे दिल में थी कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं, बट क्रोएशिया जाने के बाद मेरे को लगा कि अब क्रोएशिया इज द न्यू स्विट्जरलैंड बेसिकली। okay. उधर एक छोटा सा शहर है डुब्रोवनिक, वहां जाना पाजी, अगर यूरोप आप जा रहे हो ना तो 100% जाना वहां, बिल्कुल जरूर जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऐसा सा सीन हो गया था कि 36 किलोमीटर 2.5 से 3 घंटे में कवर करे, अरे रात के 12-12:30 का टाइम, लाइट बिल्कुल नहीं, घना जंगल और सारी ना यू टर्न्स, उसके बाद आप अकेले और मैं अकेला। तो वहां पर एक बार तो हो गया था कि भाई ये क्या पंगा ले लिया, क्योंकि जैसे ही मैं कर्व यू टर्न लेता था मेरे को दिख ही नहीं रहा होता था, क्योंकि गाड़ी का हाइट ऊपर है सब चीजें, कि मैं रोड में हूँ या खाई में जाने लगूं, बाहर निकलने से डर लगेगा, यू नो कोई जानवर होए, कोई भी होए, कोई छुपा होए, तो टर्न लेने पे भी वाहिगुरु वाहिगुरु निकलता था कि आगे कोई पत्थर लगा के खड़ा ना होए, 2-4 बंदे, यू नो। टाइम आपने ये सोच लिया होगा कि भाई अब ना अंधेरे में नहीं निकलना हमें। हाँ भाजी, उस टाइम ये था कि जीपीएस मैं ना शुरू से ही लेके चला था कि मैं हर 250 किलोमीटर का एक प्लान करा करूंगा, 250 होने के बाद फिर 250 प्लान करूंगा। okay. उसमें सारी चीजें पहले जीपीएस में देखूंगा। यहाँ पर क्या हुआ, मेरे को एक जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी था, तो मेरे को रात ड्राइविंग करनी पड़ी। ठीक है ठीक है। तो वो रात वाली जो ड्राइविंग थी वहीं पे मेरी गलती होगी कि मैंने अपना सोचा हुआ वायदा जो अपने से करा था वो तोड़ा और मैं प्रॉब्लम में आ गया। अदरवाइज आप प्रॉब्लम, अदरवाइज में प्रॉब्लम में नहीं आता। ठीक है। और बाकी गाड़ी ने कहीं पे धोखा दिया या मतलब कोई चीज आपको लगी होगी यार यहाँ पे ये गाड़ी नहीं सेट हुई है? नहीं नहीं, धोखे के तो 100% इसने मेरा इतना साथ दिया कि मेरे को और ज्यादा प्यार हो गया गाड़ी से। पेरिस में सबसे पहला मेरा एक चिप आया था गाड़ी की विंडशील्ड के ऊपर, वहां पर दिल थोड़ा सा धड़क गया था, मतलब क्रैक हो गई थी। हाँ, चिप अभी भी चिप नहीं। और गाइस हम देखते हैं एक बार। अच्छा, ये मतलब कि मिरर आपका पेरिस में टूटा था? ये पेरिस में सबसे पहले ऊपर, आप अगर वो देखेंगे ना, सबसे पहले वहां पर टूटा, यहाँ पे या वो सबसे ऊपर वाला। अच्छा, ये वाला। जी, या। ये टूटा। यहाँ से थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ी। टूट कैसे गया, क्या चीज लगी? आगे ट्रक चल रहा था, उधर से एक पत्थर आया और वो उसपे लगा और क्रैक आ गया। हाँ, से थोड़ा सा दिल धड़कना शुरू हुआ। यूरोप पहुंचे, इंडिया बहुत दूर है, बहुत दूर है, बट वहां पर मैंने एक स्टोरी डाल दी और पाजी बहुत प्यार आया, लोगों ने ना इसके रिपेयर करने के तरीके बताने शुरू कर दिए मैसेजेस में, मतलब वो मजा आ गया मेरे को, मोटिवेशन पूरी, मोटिवेशन मिल गई। फिर जो जुगाड़ू काम कह सकते हैं हम, वो जो होता है कि शीशे के अंदर एक छोटा सा होल कर दो, एयर पास नहीं होगी, वो यूरोप में कराना मुश्किल था, हाथ लगाने के भी 500 पाउंड ले लेंगे, ये कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले पे विश्वास करो, ईरान तक पहुंच जाओ किसी तरीके से, ईरान टर्की या ईरान पहुंच गए ना काम सेट हो जाएगा। जी जी। तो ये रुक गया था, मैंने इसके ऊपर टेप वगैरह लगा दी थी, ईरान तक थोड़ा सा बड़ा, ईरान में एंटर करते सारी इसके ऊपर मैंने होल करा। पेरिस टू ईरान कितना पड़ गया था वैसे, क्या डिस्टेंस वगैरह क्या था, कितने घंटे थे वो? पेरिस से ईरान में मेरे ख्याल से 12-13 कंट्रियां थी भाई। 12-13 कंट्रियां गाइस, देख रहे हो भाई, ये ना सिर्फ जिगरे से काम होते हैं। यहाँ पे देखो कि भाई एक सिर्फ गाड़ी और एक पाजी, भाई दोनों निकले हुए हैं, और भाई कहाँ से, कनाडा से।
भाई इसको जिगरे के साथ ये काम होते हैं। अरे कई लोग ना मतलब कहते हैं, चलो कहने वाले को तो क्या है, सब प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहते हैं आपने ना इसको फॉलो करा, आपने उसको फॉलो करा। भाई फॉलो करना, अगर आपके पास पैसा भी है ना, आप फॉलो नहीं कर सकते ऐसे ट्रिप जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, और नॉलेज ऐसे नहीं आएगी कि आपने किसी को फोन करा। आप मेरे को फोन करोगे ना, मैं आपको एक फोन पे इसके बारे में नहीं बता सकता, जो मर्जी हो जाए, आपके दिमाग में नहीं वो चीजें होंगी। एग्जैक्टली, तो वो मैं आपको बोल देता हूँ कि फॉलो किसी का नहीं होता, सबका पैशन होता है अपना, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है सब चीजें। तो उसके बाद फिर ईरान में मैंने चिप ठीक कराई, उसके बाद सब ठीक हो गया। फिर जब मैं इंडिया एंटर कर गया, गाड़ी होटल में खड़ी हुई थी, गर्मी थी उस टाइम पे यहाँ पे, और उन्होंने ठंडा पानी जैसे ही डाला तो वो होल फिर आगे तक आ गया। तो जो तीसरा आप चिप देख रहे हैं वो अच्छा, ये जो है वो बढ़ के वहां तक पहुंच गया। मतलब जो क्रैक है, ये वाला क्रैक नहीं आया था सिर्फ, ये चिप आके क्रैक आना शुरू हुआ, हल्का सा ये क्रैक आया था जो फर्स्ट आपका पेरिस के अंदर। हाँ, जो फर्स्ट पेरिस में वहां पर चिप आया, थोड़ी सी यहाँ तक आए, यहाँ पर होल हो गया। आप ध्यान देखो कि यहाँ पर होल हुआ पड़ा। जी जी हुआ, ठीक है ना। उसके बाद कुछ भी नहीं पड़ा, फिर वहां से लेके यहाँ तक इंडिया, इंडिया के अंदर जलंधर। इंडिया में कैसे होगा, मतलब पानी डाला, पानी गर्म थी गाड़ी और गर्मी का माहौल था और ठंडा पानी एकदम से डला होगा, तो वो उसके कारण है। गाइस ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये आपके साथ भी शेयर कर देते कि जो बंदे पंजाब से भी दिल्ली जा रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, कि मतलब कि हम यहाँ से निकले, गाड़ी गर्म है तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि एकदम से ठंडा पानी मत डालो, गाड़ी गर्म है तो। एग्जैक्टली, गाड़ी ठंडी है तो एकदम से गर्म पानी भी मत डालो। जी जी, ये भी चीज़ है। अच्छा, आपने अभी ये नुकसान की बात बता, एक चीज और रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, लाहौर से भी एक चिप लेके आया हूँ सर। ओके, अच्छा उस जगह पे, यहाँ पर भी लाहौर से निकला, यहाँ पर भी एक चिप है। ये सिर्फ चिप आया, इसमें क्रैक नहीं आया अभी तक, मतलब इसमें लाइन नहीं आई है। ये सिर्फ ना वही कंकड़ों की वजह से हुई है। अभी थार के अंदर ऊपर भी है। अभी रिसेंटली चंडीगढ़ गया हूँ तो भाई वहां तो मिलना ही मिलना है, ये लगा लो ये सरप्राइज, क्योंकि रोड पे की गाड़ी चलती है आगे, स्पिन करता है पहिया तो वो वहां से पत्थर उड़ा के मार देती है, तो कहीं ये नुकसान हो। इसके अलावा कुछ हुआ कि मतलब गाड़ी को कोई टच ना कर गया हो, या कोई आपको पता है कि रोड पे हम अच्छे हैं पर दूसरा बंदा गलती कर जाता है ना, वो चीज हुई है आपके साथ, या कहीं से गाड़ी लगी हो वो चीज? पूरे रास्ते में कहीं पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, दिल्ली में ही हुआ। अरे दिल्ली में गाइस जिसने गाड़ी चला ली वो भाई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चला लेगा। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वैसे तो मैं पूरा ट्रेंड हो चुका हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से ही मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव करता आ रहा हूँ। बट वही है, ये यहाँ से एक ऑटो में थोड़ा सा हिट हुआ था, ये हल्का सा अंदर चला गया, आई गेस आधा इंच, आई गेस वो ठीक कर दिया जिससे मैंने अभी गाड़ी ठीक करवाई थी। 4 साल पहले मैं जर्मन में गया था, तब मैंने चलाई थी लेफ्ट साइड ड्राइव। जी जी, फोर्ड की गाड़ी थी कोई। जी, जब मैं चला रहा था ना तो गाड़ी चलाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम आई रोड्स की, क्योंकि सारी रोड्स राइट है हमारे इंडिया में, लेफ्ट है वहाँ पे सारी राइट है, तो मैं गलती से दूसरी लाइन में घुस जाता था क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सिंगल रोड। जी जी, सही बात है। मेरे को सिर्फ, मैं आपको बताता हूँ, सारे पूछ रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मेरे को लेफ्ट हैंड ड्राइव करने में। मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम पता है कब आती है, जब मैं ट्रैफिक में से टर्न लेता हूँ और आगे खाली सड़क है। अब वहां नहीं पता तो मेरे को नहीं पता, याद रहता कि मैंने राइट साइड में जाना है या लेफ्ट साइड में जाना है। यही चीज मेरे साथ, तो वहां पर एक सेकंड के लिए ना आपके दिमाग में आ जाता है यार मैं कहां जाना है, वो राइट जाना है, बस भाई यही चीज मेरे साथ ही वहां पे। तो गाइस मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ, पाजी की जो गाड़ी है, कनाडा की जो गाड़ी है, वो लेफ्ट साइड ड्राइव है। मैंने यूके में भी ड्राइव करी हुई है, आपने सबने देखा है मैं गाड़ी चला ही रहा था वहाँ पे, पर वहाँ पे राइट साइड ड्राइव है, इंडिया वाला साहब है वो, वो फर्क नहीं पता लगता, क्योंकि इंडिया में तो हम चला रहे 10 साल से गाड़ी, 15 साल से गाड़ी, तो वहाँ पे फर्क नहीं पता लगता। खर्चा कितना हो जाएगा, प्लान आपने क्या करा था उसके लिए, ये बताओ थोड़ा। ओके भाई, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी प्लान कर लो, खर्चा ऊपर चला ही जाता है, कहीं ना कहीं पे रह ही जाता है कुछ ना कुछ। तो आई वॉज थिंकिंग ये तकरीबन 20-25 लाख रुपए लगेंगे मेरे। ठीक है, आपने ये प्लान करा, ये प्लान करा हुआ था, और अभी तक मेरे 25 क्रॉस हो चुके हैं, ऊपर ही हो गए, ऊपर ही हो चुके हैं। तो अभी एग्जैक्ट अमाउंट तो मेरे को अभी भी नहीं पता है, ये नहीं लगा रहा कि मैं अब दिल्ली में भी घूम रहा हूँ तो इतने पैसे लग रहे हैं, इंडिया तक का 25 लाख से ऊपर लग चुका है। ये गाड़ी पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन? पेट्रोल इंजन है और नॉर्मल पेट्रोल, कोई सुपर वगैरह कुछ नहीं डाला, नॉर्मल 97 होता है या 100 होता है वैसा कोई 97 वगैरह कुछ नहीं डाला इसमें, कनाडा में भी 87 डलता है, यहाँ पर भी 87 जो नॉर्मल डल रहा है वही डल रहा है। और एवरेज की बात है तो ये क्या आइडिया कितने की दे देती है वैसे? एवरेज बाजी तकरीबन 7-8 की, 7-8 की, ठीक है। और मॉडिफिकेशंस वगैरह आपने क्या करवा रखी है, या स्टॉक की स्टॉक गाड़ी है जैसे आपने ली? पूरी गाड़ी स्टॉक है, सिर्फ टायर्स को छोड़ के, लाइट्स वगैरह उसके अंदर कोई कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ मैंने ये टायर चेंज कराए थे, ऑल टेरेन टायर्स थे, बिकॉज रस्ते में ऑफ रोडिंग्स भी आती हैं, सैंड ड्यून्स भी आते हैं, तो वो करने के लिए मैंने। और ये कितने इंच का टायर है वैसे? 37 इंच 37 इंच
जैसे आती कितने की गाड़ी है, जैसे हम कनाडा में बात करें तो मेरे को ना वैसे कई बार हंसी आ जाती है बताते हुए जी जी। मेरे से जैसे मेरे ब्रदर्स वगैरह भी पूछ रहे थे। हाँ जी हाँ जी। तो इसकी कैनेडियन डॉलर में प्राइस है $70,000 हाँ कैनेडियन में, और 61 का प्राइस चल रहा, तो ये तकरीबन 42-47 लाख रूपए इंडिया के हिसाब से। गाइस मैं तो ये फर्स्ट टाइम सुन के मैं खुश शॉक्ड हूं भाई, 40 लाख रूपए बोल रहे हैं आजकल हमारे जैसे लोंडे ना 20 लाख की थार लेते हैं और 10 लाख रूपए ऊपर लगा दे 30 की हो गई। और गाइस मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ ना, गाड़ी देखो यार कितनी ज्यादा ह्यूज है, ये देखो यार मेरे से ऊपर जा रही है गाड़ी। अभी हम 5'9" हूँ तो गाड़ी देखो कितनी ऊंची जा रही है। कन्वर्टेबल आती है गाड़ी या हार्ड टॉप भी? दोनों आती है सर। हार्ड टॉप भी वेरियंट आता है, सॉफ्ट टॉप भी आता है। मेरे को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मैं हार्ड टॉप लेना चाहता था जब मैंने ली थी गाड़ी, बट उस टाइम पे मेरे को हार्ड टॉप नहीं मिली तो सॉफ्ट टॉप से काम चलाना पड़ा। बट इस ट्रिप में सॉफ्ट टॉप के जो नजारे आ गए तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग ही होगी एक तरह। जी मैं आपसे वो भी बात शेयर करता हूँ, अभी मैंने ना रिसेंटली अपनी थार की छत लगाई, मैंने छत उतारी हुई है। ओके जी। छत उतार के जो नजारे आते हैं ना, सही बात है, मैं थार के अंदर 2 करोड़ की गाड़ी वाले मजे ले रहा था। लंबोर्गिनी खुल जाती है तो मतलब वो नजारे थे। तो गाइस एक इनके अंदर बहुत बढ़िया चीज लगी, मैंने थार की छत उतारी थी फिर लगाई थी, इनका क्या है की भाई ये खुल भी जाती है और बंद भी हो जाएगी। पाजी एक बारी करके दिखाओ इसको। 100% गाइस हम चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और अंदर से भी गाड़ी को देखते हैं। अच्छा इधर है, थार की तरह ही है गाइस यहां पे। ओके एक लैच उस साइड पे है। अच्छा ये मतलब कि मैनुअली खुलेगी? हाँ मैनुअल है। ये चेक करो भाई, छत खुल गई भाई गाड़ी की, और मैं ना अंदर एक बारी आपको जाके दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस भाई काफी ह्यूज है गाड़ी, इसका इंटीरियर बहुत सुंदर है। और गाइस देखो मैं बैठा भी इस साइड हूँ, वो मेरी थार खड़ी है राइट साइड है भाई, देख लो स्टेरिंग इसका, देख लो लेफ्ट साइड स्टेरिंग है, ये आप देख सकते हो। तुसी आओ पाजी इत्थे ड्राइव सीट। हां जी मैं हूं। चलो गाइस हम ड्राइव करते हैं एक बारी पाजी की गाड़ी, ब्रोंको जो कि कन्वर्टेबल हो चुकी है। और गाइस हम इसको एक बारी चलाने लगे हैं जो कि भाई है लेफ्ट साइड ड्राइव। ये देखो भाई ये राइट है अपना स्टेरिंग थार का, और भाई ये देखो इसका लेफ्ट स्टेरिंग है सबसे बड़ी बात। और गाइस ये हम गाड़ी एक बारी ड्राइव करके देखने वाले हैं। इसका बटन दिया हुआ है इंजन स्टार्ट का, ये हमें दिया हुआ है ड्राइव, मैनुअल भी दी हुई है ना। हम गाइस चला रहे हैं ब्रोंको, और भाई बहुत ही स्मूथ गाड़ी। और गाइस सामने देख लो कन्वर्टेबल हुई पड़ी है पूरी गाड़ी अपनी, हम रोड पे एक बारी लेके निकलेंगे, देखेंगे इसका भाई टॉर्क वगैरह क्या है। टॉप स्पीड 180 तक ही है। आप जैसे बता रहे हो जर्मनी आप गए थे जी जी, जो जर्मन ऑटोबान पे मैंने एक बार इसको 180 टच करा दिया था। 180 तो आराम से नॉर्मल, आराम से फोर्ड 180 चलाई थी वहां जी जी, 160-180 नॉर्मल स्पीड है भाई। देखो लोग रुक गए हैं लिटरली भाई, गाड़ी इतनी ऊंचा लोगों को लगता है कि ऊपर ही ना चढ़ जाए भाई, बहुत ज्यादा ही ऊंचा। गाइस आप ना ये सामने से देखोगे ना इंटीरियर भी भाई बहुत सुंदर दिया हुआ है इसका। भाई लेफ्ट साइड ड्राइव इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, बस ये पाजी की मेहरबानी है जो हम गाड़ी चला पा रहे हैं। और गाइस बहुत अच्छा लगा। चलो गाइस यहाँ से ना हम लेफ्ट लेते हैं, यहाँ पे रंधावा साहब भी आ गए जो शूट कर रहे हैं, और पाजी को ना 4 बजे जाना और 5 मिनट रह गए। मुझे पता पाजी बहुत टाइम के पक्के हैं, पाजी ने 3 बजे का टाइम दिया था और पाजी 3 बजने से 5 मिनट पहले आ गए थे, मुझे लगा मैं लेट हो गया। नहीं नहीं पाजी, ये चीज़ किलोमीटर बाद ये सर्विस मांगती है पाजी, तकरीबन 17-18 हजार किलोमीटर। 2-3 हजार एक्स्ट्रा ही चला दी थी मैं, क्योंकि मेरे को पता इशू नहीं होता, मैं इंजन ऑयल चेक करते हुए आ रहा था। गाड़ी चलाते भाई फील बहुत अच्छा आ रहा है जी, गाड़ी चलाने लगे हैं। और भाई तुम्हारा भाई ना खड़ा होने लगा है, सामने से रील बन रही है और पाजी गाड़ी चलाएंगे, हम शॉट लेंगे, बहुत प्यारा आएगा भाई। नज़ारे ले रहे हैं पूरे खड़े होकर गाड़ी के अंदर।